जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय। भाइयों बहनों स्वागत है आप सभी को देश के सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल फैक्ट समाचार में। भाइयों बहनों आज की इस वीडियो में मोदी जी के दो नए योजनाओं के बारे में बताएंगे, जिस योजनाओं के तहत आपको बिजली बिल पूरे माफ कर दी जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपके घर पे कोई भी नौजवान जो बेरोजगार है उसको लिए 5 लाख रुपए सरकार की ओर से बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। भाइयों बहनों विस्तार से समझाएंगे कौन से दोनों योजना है और इस योजना के तहत आपको कौन सा दस्तावेज चाहिए, ये सारा चीज बताएंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, इस तरह के सरकारी योजनाओं और पुराने सिक्के नोटों से हमेशा अपडेट रहने के लिए करना है वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे दबाकर चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल में घंटे का आइकन है उसे जरूर से दबा दीजिए। वीडियो को एक लाइक कर दिए ताकि हमें पता चल सके आपने वीडियो को देख लिया है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को जो भी लोग बेरोजगार हैं और जिसका भी बिजली बिल ज्यादा आ रहा है उन तक वीडियो पहुंचे और उनका भी बिजली बिल माफ हो जाए और जो भी बेरोजगार है उनका 5 लाख रुपए मिल जाए उनके व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए। भाई यहाँ पे मोदी सरकार की ओर से बहुत बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं, ठीक है ना। देश की ओर से बहुत बड़ी गाइडलाइन है और ये जो गाइडलाइन है आरबीआई की ओर से भी जारी कर दिया गया। जी हाँ, ये जो गाइडलाइन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से भी ये निर्मला सीतारमण जी की ओर से भी गाइडलाइन जारी कर दिया गया। यहाँ पे सबसे पहले विद्युत विभाग की अगर बात करें, विद्युत विभाग की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ उनको कह दिया है कि यहाँ पे जो भी गरीब परिवार है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा मोदी है मुमकिन है एक नारा है, ठीक है ना। उसके तहत यहाँ पे मोदी जी ने साफ साफ कह दिया जो भी गरीब परिवार है और जिनका भी बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, जिनका भी बिजली बिल 500 रुपए से ज्यादा आ रहा है उनका बिजली बिल यहाँ पे बिल्कुल आधा कर दिया जाएगा। जी हाँ, मतलब कहने का मतलब अगर आपके बिजली बिल 500 रुपए आ रहा है तो वहाँ पे आपको सिर्फ भुगतान करना है 250 रुपए। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया मोदी जी की ओर से, क्योंकि बिजली बिल के ओर से बहुत ही बड़ी परेशानियां झेलना पड़ रहा था गांवों में खासतौर से। तो ये सारा चीज हर स्टेट में लग गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में लगा, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम हो, बंगाल हो, कहीं भी देश के सभी राज्य में 2900 राज्य में इस योजना का लागू कर दिया गया है और यहाँ पे बिजली बिल में बिल्कुल आधे माफ कर दी जाएगी। अगर आपका बिजली बिल ज्यादा है तो आप बिल्कुल भी आप परेशान ना होइए, क्योंकि ये चीजें इसलिए किया गया क्योंकि बिजली बिल ज्यादा होने के कारण से बिजली बिल लोग भुगतान नहीं कर पा रहे थे और यहाँ पे जो बिजली विभाग है उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो अभी यहाँ पे बिजली विभाग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से यह सहमति लिया गया कि आप बिजली बिल को बिल्कुल माफ कर दिया जाएगा, 500 के ऊपर अगर है तो आधे माफ कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको दस्तावेज क्या चाहिए, आपका बिजली बिल होना चाहिए और एक आईडी प्रूफ आपको होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, ये लेके आपको विद्युत विभाग में जाकर पता करना है या फिर नजदीकी जो जनसेवा केंद्र होता है ना उसमें आपको जाकर पता कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे 5 लाख रुपए दिया जा रहा है नौजवानों को जो भी बेरोजगार है, तो मोदी जी की ओर से यह बहुत बड़ी फैसला लिया गया है बेरोजगार नौजवानों के ऊपर। अगर आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता हो और आपके घर में कोई बेरोजगार है जो कि 28 साल से ऊपर का उम्र है, ठीक है ना, 28 साल तक अभी वो बेरोजगार है और कोई उसके पास रोजगार नहीं है, तो मोदी सरकार की ओर से उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा लोन के तौर पर उनको व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए, जो कि 10 साल के बाद उनको वापस करना है, ठीक है ना। सरकार को ये 10 साल के बाद लौटाना है बैंक में, तो इसके लिए आपको क्या होगा, 10 साल के बाद लौटाना है और कोई इसमें ब्याज नहीं देना है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। तो मोदी जी की ओर से बहुत बड़ी फैसला है, जो भी लोग बेरोजगार है और नौजवान है तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा सुविधा होगा इससे, क्योंकि वो उनके पास व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए पैसा नहीं होता था, उनके पास कैपिटल नहीं है, ठीक है ना। तो अभी कैपिटल जो है ये प्रोवाइड करी सरकार, तो हमें 5 लाख रुपए तक का लोन बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा मोदी सरकार की ओर से और इसको वापस करना है 10 साल के बाद और कोई ब्याज नहीं देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका आधार कार्ड होना अनिवार्य है, ठीक है ना। उसके बाद आपको 2 कॉपी फोटो चाहिए, उसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड के साथ साथ आप अगर राशन कार्ड आपका पास है ना और कोई एक आईडी प्रूफ जैसे कि आपका वोटर आईडी है, ये सारा दस्तावेज लेके आपको नजदीकी जनसेवा केंद्र यानी कि सीएससी सेंटर में आपको विजिट करना है। वहां पे जाके आपको पूरा प्रोसेस को बताया जाएगा किस तरह से इसको अप्लाई करना है, कहां से आवेदन करना है, उसके बाद वहां से आपको मिल जाएंगे पूरे 5 लाख रुपए लोन के रूप में और इसको आप अपने व्यवसाय प्रारंभ करने में लगा सकते हैं। तो ये सारा पैसा जो है आपको लौटाना है 10 साल के बाद। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आए, वीडियो पसंद लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस तरह के खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए, इस तरह के सरकारी योजनाओं से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटे को दबाना बिल्कुल